सऊदी अरब में न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि ये एक ऐसी फ्यूचर सिटी है जो पूरी दुनिया के शहरी रहन सहन में क्रांति ला देगी। इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है। शहर के बीच में मुकाब नाम की एक इमारत बननी है जो मुकेश अंबानी के एंटीरिया बिल्डिंग से दोगुनी ज्यादा यानी 400 मीटर ऊंची होगी। एंटीरिया की ऊंचाई 173 मीटर ही है। मुकाब नाम की विशालकाय इमारत में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 इमारतों के बराबर होगी। लेकिन अब इसको लेकर विवाद भी खूब गर्माता चला जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब को बढ़ते देख कुछ कट्टरपंथी बौखला गए। वो लगातार सऊदी अरब और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको इस सिटी और यहाँ बनने वाली इमारतों के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद के सेंटर में न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी निर्माण के फैसला लिया है। न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी में विशाल संरचना होगी जो आकर्षक का केंद्र बनेगी। सऊदी अरब की सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हाईटेक सिटी की खासियतें और विशाल इमारत मुकाब को लेकर जानकारी दी गई है। रियाद शहर के सेंटर में बनने वाली संरचना का नाम मुकाब होगा। कई मुसलमान मुकाब के ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं और सऊदी सरकार की कड़ी आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस इमारत की संरचना को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कट्टरपंथी लगातार मोहम्मद बिन सलमान को कोस रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अल्लाह इसे कभी कामयाब ना करे, शर्म आनी चाहिए। मुकाब में न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 20 गुना ज्यादा जगह होगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में एक म्यूजियम, टेक्नोलॉजी और डिजाइन यूनिवर्सिटी, एक मल्टीपर्पस थिएटर और 80 से ज्यादा एंटरटेनमेंट और कल्चर सेंटर। रियाद शहर के सेंटर में बनने वाली संरचना सऊदी प्रिंस के ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2023 का हिस्सा है। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि नई इमारत मुकाब के जरिए देश के राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार के कई और अवसर भी मिलेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को दी गई।